साकी के इंचार्ज और चांद पाशा साहब पाशा आए हैं, वो ये सब बता रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं इधर मुशीराबाद में गवर्नमेंट स्कूल में जो भी टॉयलेट्स बनाए हैं वो सब बता रहे हैं। ये देखिए उनसे बातों में सुनेंगे। यहाँ पर स्कूल के अंदर बॉयज टॉयलेट था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल प्लीज डू नॉट यूज़ नो वाटर कनेक्टेड बोल के लगाए थे, तो यहाँ पर पानी कनेक्शन नहीं था, तो इसके अंदर थोड़ा प्लम्बिंग वर्क काम कराना का था, तो हमने प्लम्बिंग वर्क यहाँ पर काम शुरू करवा दिया। और यहाँ पर ये बारिश का पानी के लिए कैसा जो स्लैब पे जितना भी पानी आएगा ये बारिश का पानी यहाँ पर आएगा, और ये बारिश का पानी बच्चे कैसा पीने के लिए भी और हैंड वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। और ये गर्ल्स टॉयलेट है, गर्ल्स टॉयलेट के अंदर भी डोर्स वगैरह रिस्टोरेशन का काम था, तो इसके अंदर भी डोर्स वगैरह रिपेयर का काम शुरू हो गया, कलरिंग का काम भी हो गया। ये काम हम लोग करवाने के बाद में अब स्कूल री ओपन होने के बाद में बच्चों को टॉयलेट्स के लिए थोड़ा फैसिलिटी हो जाएगा यहाँ पर। और साफ सफाई भी आप लोग करते हैं या कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली स्कूल ग्रांट जो मिलता है स्कूल के अंदर करवाना, लेकिन हम लोग कैसमा यहाँ पर साफ करवा देंगे ये पूरा वर्क होने के बाद में। ये झाड़ हम लोग यहाँ पर काटे क्योंकि यूरिनल्स है वहाँ पर, यूरिनल्स में ये पूरा कचरा गिर के और जाम होता रेगुलर बोल के हम लोग काट दिए, तो ये पूरा हम लोग क्लीन करके स्कूल के एंडेवर का। वो भी वाटर हार्वेस्टिंग का, ये भी वाटर हार्वेस्टिंग है, यहाँ पर डाउन था तो यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर। ये पूरा बिल्डिंग तो खराब हो गया, कभी भी गिर सकता है, इसका कुछ डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी हम लोग कैसमा इसके बारे में ये डेवलपेड कंडीशन के अंदर है। जीएचएमसी से भी नोटिस आया इसको एचएचएम को कि ये इसके अंदर क्लास रन नहीं करना, कभी भी गिर सकता, तो यहाँ पर न्यू बिल्डिंग में पूरे क्लासेस शिफ्ट कर दिए। ये बिल्डिंग को डिलैपिडेटेड कंडीशन में बोल के इसको यूज़ नहीं कर रहे फिल वक्त, सामने का पोर्शन नया है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रिंसिपल के ऑफिस वगैरह है, थोड़े क्लासेस वहाँ पर चलते हैं, लेकिन बैक साइड पूरा कम्प्लीट स्कूल रुक गया है। इसके लिए भी कंसर्न एरिया मुशीराबाद के एमएलए मुठा गोपाल से जाके मिले, मुठा गोपाल साहब के समय उनका रिप्रेजेंटेशन ले लिया, उसके बाद उन्होंने बोले कि मैं यहाँ बहुत अच्छा करें आप लोग मेरे को नोटिस मिला है, मैं यहाँ पर ये बिल्डिंग को डिमोलिश करके न्यू बिल्डिंग बनवा के आपको जूनियर कॉलेज भी यहाँ पर आए जैसा मैं करता हूँ। बोले ये स्कूल में कौन सा क्लासेस तक है? ये प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल है, टेंथ क्लास तक। कितने स्टूडेंट्स है पूरे टोटल? 800 स्कूल बच्चे कैसमा हाई स्कूल में है। अच्छा। 450 बच्चे प्राइमरी स्कूल में, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स थ्री मीडियम्स इंग्लिश उर्दू तेलुगु। और आपका वर्क और किधर चल रहा है? दूसरा जगह वर्क दूसरा कबाड़ीगुड़ा स्कूल के अंदर है, मुशीराबाद के अंदर जमिस्तानपुर स्कूल के अंदर है, हाई एंड प्राइमरी, हाई एंड प्राइमरी, और साथ ही साथ कैसमा अल्लाहपुर स्कूल है बोराबट। इसका यहाँ जो भी जितना भी काम करे उसका कितना हुआ पूरा बजट? आप देखिए यहाँ पर बजट हम लोग जो भी काम होता है यहाँ पर बजट जैसे टैंक के ऊपर यहाँ पर लिख के लगा दी। अच्छा। 4,500 रुपीज़ के ऊपर का पूरा फ्लोरिंग करके यहाँ पर क्लियरली हम कितने लीटर्स का है क्या है यहाँ पर क्लियर लगा दिया। 2,000 लीटर का पानी है, 1,000 के अंदर 12,204 एक साल के अंदर 12,200 ये इतना पानी सेव कर सकते हैं। बारिश का पानी 2,000 लीटर से कितने एमएम पानी पड़ता है वो हिसाब से कैलकुलेशन से कितना स्क्वायर फीट वो है, और यहाँ पर फर्स्ट टोटल 84,500 रुपीज़। उसके बाद क्लीनिंग का स्कूल वालों का जिम्मेदार रहता है, आप लोग आके उसका मेंटेनेंस का। हम यहाँ पर स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं, चाइल्ड कैबिनेट बनाते हैं हम लोग। अच्छा। बच्चों को हर क्लास में से तीन तीन बच्चों को सिलेक्ट करके एक स्कूल का एक बच्चे को प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, सैनिटेशन मिनिस्टर, उनके पीछे चार चार बच्चे रहते हैं। अब वाटर मिनिस्टर जो बच्चा रहता है उन्हें रेगुलर चेक करता, अगर यहाँ पर टैप चलेगा तो एचएम को वो लिख के देते हो, चाइल्ड कैबिनेट है कि स्कूल के अंदर। अच्छा, वेरी गुड। हम लोग अच्छा ट्रेन करके एक्टिवेट करते हैं वो सब साकी का रूल से, साकी के तरफ से ही ट्रेन करते हैं। रेगुलर हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर है और मोबिलाइजर है कम्युनिटी स्कूल में आके हाइजीन मैसेजेस बोलते हैं हम लोग, सिक्स की हाइजीन मैसेजेस को पूरा प्रमोट करते हैं स्कूल के अंदर। एक हैंड वॉशिंग को प्रमोट करते हैं, हैंडलिंग वाटर सेफली, फूड हाइजीन, यूज ऑफ टॉयलेट, डिस्पोजेबल ऑफ चाइल्ड फीसेस, और एक बड़े बच्चियों के लिए जो बड़े बच्चे आ रहे थे एडोलसेंट गर्ल्स उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, महावारी के टाइम पे कैसे जागरूकता करना क्या करना उनको तो भी, हमारे अच्छा। लेडीज वॉलंटियर आके उनको पूरा ट्रेन करते पूरे टेंथ के नाइन्थ और टेंथ के बच्चों। ओके, राइट चांद भाई, थैंक यू। ग्राउंड में आके स्कूल के अंदर चले जा रहा हूँ। ओके, स्टार्ट अगेन। हम लोग साकी वाटर्स बोल के एक एनजीओ है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पे काम करते, तो यहाँ पर मुशीराबाद के अंदर हम लोग चार स्कूल में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये एक मुशीराबाद गर्ल्स हाई स्कूल है। और यहाँ पर हम लोग क्या बारिश के दिनों में यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो पहली बार यहाँ पे पानी की पीने का पानी की कमी था, पीने का पानी ही नहीं था स्कूल के अंदर, बच्चे पूरे बॉटल्स लेके आके पानी पीते थे। और इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर जो वाटर का कनेक्शन पहले स्कूल में एग्जिस्टिंग था, लेकिन मेट्रो रेल के वर्क के टाइम पे वो लाइन ब्रेक हो गया, जब से बच्चों को पानी नहीं था, तो
तो उसके लिए हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से वाटर बोर्ड से कंसल्ट करके वाटर बोर्ड से परमिशन लेके आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पैसे निकाल के एक वाटर ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शन वहाँ पर टैप कनेक्शन लगाए। फिर साथ में बारिश के पानी की वजह से ये अंदर आ रहा था स्कूल में, तो ये दीवार उठाने लगा है। ये दीवार की वजह से बारिश का पानी स्कूल में नहीं आता। फिर यहाँ पर बच्चों को क्या समा हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर हम लोग हैंड वॉशिंग स्टेशन प्लस ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर ये काम चल रहा है। इसके टैप्स लग जाएंगे, टाइल्स लग रहे, वर्क हो रहा, संडे के दिन तक ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास हमारे काम में ये स्पेशलिटी है, हम जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे हाथ धोएंगे तो पानी यहाँ से हाथ धोए सो पानी आके ये इंकुड़ गुंता में जाएगा, ये पानी स्वेरेज में नहीं जाएगा। हाथ धोए सो इंकुड़ गुंता के अंदर ये ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट भी बनवाए, एक्सेस वाटर भी हुआ तो टैप के अंदर ग्राउंड वाटर के अंदर रिचार्ज कराएंगे। और इसके बैक साइड पर हम लोग टॉयलेट्स, पूरे टॉयलेट्स में पानी ही नहीं था तो रिस्टोरेशन ऑफ टॉयलेट करे और वहाँ पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा टैंक बनाए 2000 लीटर का। आप पीछे चले तो मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ पर बड़ा सा टैंक बनाए जिसके अंदर पूरा छत पे, स्कूल के छत पे जो बारिश का पानी आता वो बारिश का पानी नीचे आने के बाद में फ़िल्टर लगाए। फ़िल्टर के अंदर कस्मा तीन लेयर रहते, एक 40 mm का कंकर रहता, एक 20 mm का कंकर रहता, फिर उसके बाद सैंड रहता, फिर उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल रहता, जिससे पानी फिल्टर होके उसके अंदर बारिश का पानी नीचे के टैंक में स्टोरेज होता। वो पानी को हमने वाटर क्वालिटी टेस्ट कराया, 100% प्योर वाटर है, बच्चे पीने के लिए भी पानी इस्तेमाल कर सकते, हैंड वॉशिंग के लिए भी पानी वो इस्तेमाल कर सकते। तो हम उसको वो टैंक को कहते हैं टू वे सिस्टम रखे, बारिश के दिनों के अंदर बारिश का पानी यूज़ करना है और बारिश नहीं है सो टाइम पे बोर का पानी भी आप टैंक में लगाने का कनेक्शन दे दिए, बटन डाले तो मोटर चालू हो के वो टैंक में कंटिन्यूस पानी रहता। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर चांद है, मैं साकी वाटर्स के अंदर फील्ड ऑफिसर के सर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 10 साल से वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब तक कितने स्कूल्स करे आप? ऐसे हम लोग बहुत सारे स्कूल्स के अंदर काम करें, नियरली 40-45 स्कूल्स में काम करें। ये हमारा साई किरण है, फील्ड कोऑर्डिनेटर है, कोशाईगुड़ा स्कूल के कापरा म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर, कोशाईगुड़ा हाई स्कूल्स के अंदर, इंदिरा नगर स्कूल के अंदर, कापरा हाई स्कूल के अंदर, ऐसा लिस्ट हमारी लिस्ट है। गवर्नमेंट स्कूल्स कर रहे क्या? ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हम लोग लगाते हैं। सर बजट कितने होता है ये एक एक स्कूल को ये सब करना बोले तो? हमारे स्कूल्स का बजट का ऐसा हिसाब है, स्कूल के अंदर कितना काम है, अलग अलग स्कूल को अलग अलग रिक्वायरमेंट, वर्क के हिसाब से उसका बजट हम लोग एस्टिमेशन करके, फर्स्ट हम लोग स्कूल में जाने से पहले गैप्स क्या है पहले चेक करते हैं। अच्छा। वाटर में क्या गैप्स है, वाटर कनेक्शन है नहीं है। अच्छा। वाटर कनेक्शन है तो उसको टैंक स्टोरेज टैंक है नहीं है, टैप्स वगैरह है नहीं है, टॉयलेट्स है तो अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट हर 40 बच्चों के लिए क्या समा एक यूनिट होना है टॉयलेट की, जिसके अंदर एक टॉयलेट, 3 यूरिनल्स, एक हैंड वॉशिंग बेसिन। कंप्लीटली इससे एनजीओ फंडेड है? ये कंप्लीट एनजीओ फंडेड है, हम लोग साकी वाटर्स को बैंक ऑफ अमेरिका से फंडिंग होता है। अच्छा। ये जो यहाँ पर हाईटेक सिटी में वो लोग फंडिंग करते हैं वो हिसाब से हमारे बजट है। आपका ऑफिस किधर है? ये हमारा ऑफिस सैनिकपुरी में साकी वाटर्स है, साउथ एशिया कॉन्सोर्टियम फॉर इनडिसिप्लिनरी वाटर रिसोर्स स्टडीज। ये बहुत बड़ा साउथ एशिया लेवल पे हमारा ऑफिस। हमारे ऑफिस में इम्प्लीमेंटेशन का काम सिर्फ हैदराबाद में होता है, मगर बाकी का काम पूरे साउथ एशिया लेवल में होता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, मालदीव्स, ये पूरे कंट्री में वाटर के ऊपर। साकी का ब्रांचेस हर जगह पे? हर जगह पे है, हर सिटी में भी, तेलंगाना में आप देख रहे हैं, इधर हैदराबाद में आप देख रहे हैं, में हेड ऑफिस यही है, साउथ एशिया की हेड ऑफिस तेलंगाना में ही है और आप लोग यहाँ हैदराबाद के देखते हैं, बाकी का भी पूरा रहता, पूरा गवर्नमेंट स्कूल। थैंक यू।